बिल्कुल, आप बताइए, पार्टी से बाहर निकाला क्या जो लोग आज ट्वीट करते थे, जो सरकार के खिलाफ ट्वीट करते थे, क्या वहां पे न्याय मिल पाता? तो सरकार को ट्वीट करी और गिरफ्तारी कर ली जाती थी सरकार के द्वारा। लेकिन आज जो लोग हैं, कहीं ना कहीं सभी धर्मों का भारत सभी धर्मों का देश है, क्या एक विशेष धर्म के ऊपर टिप्पणी करके और एक समुदाय की टिप्पणी करके क्या ये आपको शोभा देता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर अगर 2014 के बाद इस देश में अगर हिंदू मुसलमान के मुद्दे ना हुए होते तो कहीं ना कहीं सरकार की कुर्सी खतरे में थी। पंडित जी, नूपुर शर्मा के एक बयान के बाद कानपुर में दंगे होते हैं और अब 57 मुस्लिम देश भारत के खिलाफ हो गए, इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज पूरे देश में और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कहीं ना कहीं भारत की छवि को जो धूमिल किया जा रहा है, क्या आज भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? आज जिस तरह से आपने देखा जामिया में और जामा मस्जिद पे, कई पूरे देश में जिस तरह से जुम्मे के बाद आज पूरे देश में आंदोलन और किया गया, कहीं ना कहीं आज सरकार को नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए। तो आज ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो कहीं ना कहीं न्याय के लिए और न्याय के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले कहा करते थे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, आखिर वो लोग आज क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कहीं ना कहीं इस देश की जनता का, इस देश की भारत माता का कहीं ना कहीं छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हैं? तो कह रहे हैं डंका बज रहा है। देखिए, डंका बज रहा है तो वही कहते थे जो लोग, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी क्या इस देश के प्रधानमंत्री अब हैं? वो उनको सत्ता पे तो बैठने का अधिकार नहीं है। आप एक लोगों की वजह से, नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी ना होने की वजह से आज पूरे देश में जिस तरह से जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं और जगह जगह प्रशासन के द्वारा उनको रोका जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप देख रहे होंगे जिस तरह से धर्म युद्ध के जरिए श्रीलंका का हाल जो हुआ था तमिल और सिंगला के बीच में, वही हाल आने वाले समय में ये हिंदुस्तान का होने वाला है। क्योंकि आज हिंदू कार्रवाई करते थे, पार्टी से बाहर निकाल दिया और क्या चाह रहे हैं वो? बिल्कुल, आप बताइए, पार्टी से बाहर निकाला क्या जो लोग आज ट्वीट करते थे, जो सरकार के खिलाफ ट्वीट करते थे, क्या वहां पे न्याय मिल पाता? तो सरकार को ट्वीट करी और गिरफ्तारी कर ली जाती थी सरकार के द्वारा। लेकिन आज जो लोग हैं, कहीं ना कहीं सभी धर्मों का भारत सभी धर्मों का देश है, क्या एक विशेष धर्म के ऊपर टिप्पणी करके और एक समुदाय की टिप्पणी करके क्या ये आपको शोभा देता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर अगर 2014 के बाद इस देश में अगर हिंदू मुसलमान के मुद्दे ना हुए होते तो कहीं ना कहीं सरकार की कुर्सी खतरे में थी। पांडे जी, आप हर बात पे बेबाकी से बोलते हैं। अभी के भीम आर्मी से हैं सतपाल तंवर, अपने आप को नवाब सतपाल तंवर बोलता है, उन्होंने 1 करोड़ का इनाम रखा है नूपुर शर्मा के ऊपर। ये कौन है? ये सब कहां कहां से आप नाम खोज के लाते हैं? पता नहीं ये कौन सी आर्मी, हमने तो सुनी थी केवल एक हमारी इंडियन आर्मी है, उसके अलावा कोई आर्मी सुनी नहीं। ये आर्मी के नाम पे जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस देश में भगवा के नाम पे देश को बेचने का काम कर रही है और देश की जनता को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है, मैं कह देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश से माफी मांगे। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो हमारी छवि खराब की जा रही है, हमारे प्रोडक्ट को बहिष्कार किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आज आप पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो कहते थे विश्व में डंका बज रहा है, आखिर विश्व में डंका नहीं बज रहा है, भारत की लंका जैसी परिस्थितियां आने वाली हैं। क्या आप देश में जो हमारे प्रधानमंत्री, जो भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक फरमान जारी किया है कि अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता अब जाएगा वो डिबेट में हिंदू मुसलमान नहीं करेगा, अब आखिर उन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों का होगा जो लोग ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने का काम करते थे। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उजागर करके उन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान मुद्दा थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। मेरा सवाल ये था, नवाब सतपाल तंवर तो धमकी दे रहा है कि 1 करोड़ की इनाम रख रहा है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, आप जो ये शब्द 1 करोड़, मैं कहता हूं मैं 20 करोड़ दे रहा हूं, नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आखिर नहीं, बात तो वही, ये यही लोग है ना जो जवान काटने की धमकी दी जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस देश में देखिए, इस देश में जो लोग, मैं कहता हूँ इस देश में कानून है,
कानून के जरिए नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं कहती थी जीरो टॉलरेंस की सरकार है। इसी सरकार में सबका साथ सबका विकास कहा गया था। तो आज चाहे देश में हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर किसी भी धर्मगुरु के खिलाफ अगर कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी एक ऐसे समाज से आता हूं जहां हमारे समाज में हमारे गुरु आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने समाज सनातन धर्म को प्रचार किया, लेकिन उन्होंने धर्म युद्ध कराने का देश में प्रचार नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी इस देश में कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दों को उजागर करके वो देश में एक एजेंडा के जरिए, मैं कहता हूं अब पत्रकारों को भी अब देश में बहुत सारे मुद्दे उन पे सवाल करना चाहिए। और ये सरकार जब तक गिरफ्तारी नहीं करेगी तब तक कहीं ना कहीं पूरे देश में सड़क पे उतरने, संवैधानिक कार्य प्रणाली है, कानून अपने हिसाब से कार्य करेगा, लेकिन इस प्रकार के जो फतवे जारी करते हैं, रेप की करने की धमकी दे रहे हैं। अभी नवीन जिंदल ने भी एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा था कि मेरे परिवार को जान का खतरा है, परिवार की इसमें क्या गलती है? देखिए मैं वही कहता हूं, तो आखिर ये देश में देश को कट्टरता की तरफ कौन ले जा रहा है? ये कौन लोग हैं जो कट्टरता की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं? आखिर आज देश जिस तरह से पूरी तरह जल रहा है, कहीं ना कहीं पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है नुपुर शर्मा को लेके, आखिर उनको क्यों बचाया जा रहा है? सरकार ने अगर पार्टी से बहिष्कार किया, पार्टी से सस्पेंड किया, तो उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। यहाँ पे कई लोग CA NRC में जेल की सलाखों पीछे 2 साल से ज्यादा है। तो क्या इस देश में न्याय की अगर बात की जाए, अगर सच्चाई के लिए न्याय की, मैं कहता हूं कोई हमारे भी धर्म के खिलाफ अगर अवैध टिप्पणी करे, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके खिलाफ जो मुस्लिम देश है उनकी तरफ से कहा गया है कि पूरा देश माफी मांगे, गलती एक नुपुर शर्मा करे और गलती पूरा देश क्यों नहीं, पूरा देश क्यों माफी मांगेगा? आप बताइए माफी नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी ये वो करे, लिस्ट जारी करे कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से और अरब देशों से, जो हमारे देश के आज अंधभक्त भी सोच रहे होंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री शेखों के सामने झुक गए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंधभक्त अब कह रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो कहते थे ना डंका बजने वाला है, इस देश में अब डंका नहीं बजाने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस देश की अस्मिता को ठेस पहुंचाई है। और मैं कहता हूं नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो, उनके ऊपर UAP और NSA लगना चाहिए। अब जो इस्लामिक देश कह रहे हैं, वही सवाल में फिर से दोहराऊंगा, जो इस्लामिक देश कह रहे हैं पूरा देश माफी मांगे, भाई पूरा देश क्यों माफी मांगेगा? नहीं बताइए पूरा देश क्यों माफी मांगेगा? वो कह रहे हैं मतलब भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता जाके लाइव डिबेट में किसी भी के अपनी चंद वो लोकप्रियता के लिए कहीं भी किसी को अभद्र टिप्पणी करने का काम करे, पूरा देश क्यों माफी मांगेगा? पूरा देश में ही माफी मांगेगा, भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे। इस बयानबाजी के बीच में अब यति नरसिंह आनंद भी कूद गए हैं, उन्होंने कहा है कि नूपुर शर्मा ने जो भी कहा वो सच कहा है, मैं 17 तारीख को जामा मस्जिद पे आऊंगा सब कुछ। देखिए ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं चोला पहन के इस देश में धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं। इनको अगर जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला गया तो आने वाले समय में हमारे देश की हालत एक ऐसे पायदान पे जाके खड़ी हो जाएगी कि कोई भी कुछ बयान देगा और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। वो कह रहे हैं कि मैं साक्ष्य लेके आऊंगा 17 तारीख को जामा मस्जिद पे। देखिए यति नरसिंहानंद, ये केवल साक्ष्य कोई नहीं है इनके पास, ये जहां अपने अपने दुकान चलानी होगी, जहां अपने उसको अपने जो इनका संस्था है उसको प्रमोट करना होगा, ये कहीं ना कहीं वहां पे जाके एक ऐसे ऐसे भाषण और ऐसे बयान देने का काम करेंगे, ये पूरे देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आज जिस तरह से देश का कट्टरता की गड़बड़ बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में श्रीलंका बन जाएगा और ये बनाने की तैयारी है। मैं कहता हूं देश पूरा नहीं माफी, भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो।